नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं बोया का BY-M1 लैपल माइक, जो कि मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं अमेज़ॉन की तरफ से काफ़ी अच्छी पैकिंग है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इस माइक के फीचर्स और कैसे ये काम करता है। As the leaves start falling down and the shadows above the town, तो दोस्तों, बॉक्स के अंदर आपको मिलता है ये बिल और बोया का माइक। तो इसे रखते हैं साइड में और देखते हैं बोया का माइक। तो सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है इसका मॉडल बोया BY-M1 माइक। और ये इसके फीचर्स देखिए, क्लिप ऑन माइक फॉर स्मार्टफोन, DSLR, कैमकॉर्डर, ऑडियो रिकॉर्डर, PC एटसेट्रा, ओमनी डायरेक्शनल कंडेंशर माइक्रोफोन, हाई क्वालिटी कंडेंशर, इज़ आइडियल फॉर वीडियो यूज़, लो हैंडलिंग नॉइज़, इंक्लूड्स लैपल क्लिप, LR44 बैटरी, फोम विंड स्क्रीन, 1/4 अडप्टर। तो ये है बोया का माइक का ये बॉक्स, और इसकी MRP 3000 है और ये मेड इन चाइना। तो इसे ओपन ये करेंगे। माइक है सुपर साउंड फॉर प्रेजेंटेशन एंड वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। तो चलिए इसे ओपन करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आपको ये पाउच मिलेगा इसके अंदर, और कुछ कुछ ये है यूजर मैनुअल, सेफ्टी इंफॉर्मेशन इसमें है, इसे आप पढ़ लें, मैं साइड में रख देता हूँ इसे। और ये है इसका क्या क्या कैसे यूज़ करना है और ये करना है, ये भी यूज़र मैनुअल का ही पार्ट है। तो देखते हैं माइक को, और ये पाउच है काफ़ी अच्छे क्वालिटी का। तो इसे हम ओपन करते हैं, तो इसके अंदर आपको मिलता है ये कुछ पैकेट्स, देखेंगे उसे हम साइड में रख के। और ये है माइक, काफ़ी अच्छे, और इसकी सबसे अच्छी पार्ट ये है कि इसमें ये वायर दिया हुआ है काफ़ी लंबा, 2 मीटर का। और इसके अंदर आपको मिलता है ये सिलिकॉन जेल का पैकेट, तो इसे रखते हैं हम साइड में और देखते हैं क्या क्या है। फ्रेंड्स, इसे हम ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर आपको मिलता है एक कॉलर क्लिप, एक लॉन्ग जैक और एक सेल, और ये है पॉप फिल्टर। से हम फिट कर देते हैं यहाँ। तो फ्रेंड्स, मैं इसे पहले फिट करता हूँ, उसके बाद आपको इसकी साउंड क्वालिटी दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, इसके कंडेंसर में आप देखेंगे यहाँ पर कैमरा लिखा हुआ है और यहाँ पर ऑफ स्मार्टफोन के लिए। तो अगर आप कैमरा पे इसे यूज़ करना चाहते हैं तो इसे ऑन कर दीजिए, या फिर अगर स्मार्टफोन पे यूज़ करना चाहते हैं तो इसे ऑफ कर दीजिए। अगर आप कैमरा पे इसे यूज़ करना चाहते हैं तो इसके अंदर एक सेल डालने का ऑप्शन है, इसे ओपन कीजिएगा तो इसके अंदर आपको एक कुछ इस टाइप का दिखेगा। इसमें आपको ये जो सेल इसके साथ मिलता है इसे आपको इंसर्ट करना है और फिर इसे कैमरा में यूज़ करना है। पर आपको स्मार्टफोन के लिए इसमें कोई भी सेल डालने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप ऑफ़ कर लें। और ये देखिए, ये गोल्ड प्लेटेड 3.5 mm जैक दिया हुआ है इसमें, जिससे
काफ़ी अच्छी ऑडियो क्वालिटी आती है, तो मैं इसे इंसर्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसकी साउंड की क्वालिटी। तो फ्रेंड्स, अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये है बोया का BY-M1 माइक से। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा माइक है, तो आप खुद ही जज कर सकते हैं कि ये माइक कैसा है और इसकी क्वालिटी आपको कैसी लग रही है। तो फ्रेंड्स, आज का यही वीडियो था ये बोया का BY माइक का। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें एंड कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।